स्थित तृणमूल भवन में आसनसोल उत्तर तृणमूल ब्लॉक एक की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 41 के 100 से अधिक सक्रिय भाजपा कर्मियों ने तृणमूल में शामिल हुए। मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि राज्य के श्रम विधि व कानून मंत्री मलय घटक ने सभी को तृणमूल का झंडा थमाकर दल में शामिल किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री मलय घटक ने कहा कि भाजपा के झूठे आश्वासन से त्रस्त होकर भाजपा के सक्रिय सदस्य राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर तृणमूल में अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि 2014 में भाजपा केंद्र में शासन में आई, इससे पूर्व आसनसोल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ बेरोजगारी को नौकरी दिया जाएगा। उनके इस कथन में लोग भ्रमित होकर उन्हें वोट दे दिए। इस कथन के बाद उन्होंने धीरे धीरे केंद्र की भाजपा सरकार सरकारी संस्थानों का निजीकरण करते हुए उसे बेचने लगी। সভাপতি শুক্র শনি রবি 3 দিন আমি আসানসোলে থাকি, কোন প্রয়োজনে আসবেন আমার দরজা সবসময় খোলা থাকে। ২৪ ঘন্টা যতই মানুষ আসুক আমি রাত দুটো পর্যন্ত হলেও কিন্তু দেখা করি। থাকলে নিশ্চয়ই আমাদের কাছে থাকবেন। আমি এখানে একটা কথা বলে আমার শেষ করতে চাই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হচ্ছেন একমাত্র নেত্রী যিনি আগামী দিনে ভারতবর্ষের নেতৃত্ব দিতে পারবেন।